कांग्रेसियों का जारी है केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आरोपों के जांच की उठाई मांग। केंद्र पर लगाया युवाओं को गुमराह करने का आरोप। बुधवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में जिला मुख्यालय के बाहर कांग्रेसियों का जुटान हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कांग्रेसी पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा किए गए खुलासे की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे थे। वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा कि जहां एक तरफ देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, वहीं बेरोजगारी देश के युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। केंद्र सरकार झूठे आश्वासन देकर देश की जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा, सत्यपाल मलिक के खुलासे से मोदी सरकार द्वारा 40 जवानों की हत्या कराने के मामले का खुलासा हुआ है। ऐसे में हम धरना प्रदर्शन एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे जनता के दरबार में पहुंचकर केंद्र सरकार के दबंग कार्य नीति से अवगत करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। सर, हम तो आज यहाँ देश की जो ज्वलंत मुद्दा है, जो आपकी हो, मेरी हो या आम जनता की, जैसे कि आप देखेंगे कि जमशेदपुर मजदूरों का शहर, महंगाई का आलम क्या है आपसे छुपा हुआ नहीं है। ये कि बढ़ोतरी जो होती थी कांग्रेस के सरकार में, हर चार साढ़े चार साल में आम लोगों का, आम मजदूरों का सैलरी डबल हो जाता था डीए बढ़ोतरी के माध्यम से। आज इनके द्वारा पिछले 9 वर्षों में मात्र 69% की डीए बढ़ोतरी हुई है। और महंगाई ये है कि महंगाई 70 रुपये में बिकने वाला सरसों तेल आज 200 रुपये लीटर में बिक रहा है। 400 रुपये में बिकने वाला गैस का सिलेंडर 450 रुपये का आज 1150 रुपये में बिक रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई का आलम क्या है। गैस 100% बढ़ा है और डीए इनको बढ़ाने में संकोच होता है। तो आज हम लोगों ने ये बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया कि अब लोकतंत्र में जनता मालिक है और हम सीधे जनता को ये समझाने का कोशिश करें, क्योंकि जो समझाने का काम राष्ट्रीय मीडिया का है, इस मीडिया ने ठीका ले लिया जनता को गुमराह करने का। और ये मीडिया आप देखेंगे कि अभी इस देश के समक्ष जो सबसे बड़ा विषय होना चाहिए था, वो होना चाहिए था कि सत्यपाल मलिक जी ने जो बातें रखी हैं, अभी उन बातों पर इस देश की मीडिया को चर्चा करना चाहिए। तो इस देश का मीडिया रात दिन लोगों को गुमराह करने के लिए एक हत्यारे और उसकी हत्या पर चर्चा आज 3-4-5 दिनों से लगातार दिन रात चल रही है। सत्यपाल मलिक ने इतना महत्वपूर्ण बात कहा कि इस देश के 40 जवानों को केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण मरना पड़ा, शहीद होना पड़ा, और उन 40 जवानों को जिस तरीके से मारा गया, वो कह रहे हैं कि मेरी गलती है। उस पे एक डीएसपी पकड़ा जाता है, उस डीएसपी को 90 दिन के अंदर केस डायरी सबमिट नहीं करने के चलते कोर्ट से बेल मिलता है। तो आखिर वो कौन है महाशक्ति, जिस महाशक्ति के दबाव में इतने बड़े मामले पर किसी का केस डायरी कोर्ट को सबमिट नहीं हुआ, और जिस अफसर ने सबमिट नहीं होने दिया उस पर क्या कार्रवाई हुई। ये मीडिया में चर्चा ये होना चाहिए, किस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, किस तरीके से इस देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है। इस सारे चीजों को छोड़ करके मीडिया गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। तो आज हम लोग जो है यहाँ बैठ करके जनता के बीच सीधे, ये रोजाना का कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है, आप देख रहे होंगे जिले में रोज एक दो सभाएं हो रही हैं, पदयात्राएं हो रही हैं, जन संपर्क अभियान चल रहा है। और आज उसी में हम जिला मुख्यालय में बैठ करके यहाँ से सीधे आम जनता जो मालिक है, जनता को आप ज्ञापन देने के लिए बैठे हैं। जनता को हम सीधे कहें कि आप मालिक है, आपके समक्ष हम गुहार लगा रहे हैं, आपके समक्ष अपनी कष्ट को बता रहे हैं। अगर कष्ट से आप भी दूर हैं तो आप निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। और हमें लगता है कि जनता का मूड बदल रहा है और ये बदलाव भी दिख रहा है।